हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट? सो लेट्स क्लियर द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हियर। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम अपनी पूरी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में ही स्टडी करते हैं, उसकी इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन क्या डिफरेंस होता है, राइट? सो लेट्स गेट द मीनिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब होता है कि स्मॉल, राइट? माइक्रो मीन्स स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो की बात करते हैं तो हम लार्ज, ओके? मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। हम एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं, राइट? सो नाउ कमिंग टू द मीनिंग, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स देयर विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स थ्योरी की। वो स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को, राइट? इट डील विद द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिविजुअल कस्टमर की स्टडी करेगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की स्टडी करेगा, इंडिविजुअल सप्लायर की स्टडी करेगा, एंड सो ऑन। तो क्या है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है, अलग अलग सेपरेटली स्टडी कर रहा है, राइट? सो नाउ कमिंग टू द मीनिंग विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हम लार्ज और वी कैन से हम एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल इकोनॉमी। हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बस यहाँ सिंगल इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करते। उसका मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज पार्ट की स्टडी करते हैं, ओके? हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली हम कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी इकोनॉमिक्स की क्या है? एक ब्रांच है, राइट? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी, एग्रीगेट स्टडी जो करता है, विच स्टडी द बिहेवियर, पूरी हमारी इकोनॉमी की टोटैलिटी में स्टडी करता है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, राइट? टूल्स, इसके मेन टूल्स क्या हो सकते हैं? इसके मेन टूल्स डिमांड एंड सप्लाई हो सकते हैं। जहाँ तक हमने बात की है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल टूल्स और वी कैन से इंडिविजुअल वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं, ओके? हम इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे हम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेम टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड कितनी है, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है मार्केट में, राइट? एंड अ सेम पूरी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ओके? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर पा रहा है, कि पूरी टोटल सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा, एज पर दैट ओनली सप्लाई भी होगी, राइट? इज वॉट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना, होल इकोनॉमी की स्टडी करना इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी स्टडी करने का क्या उद्देश्य होता है, सो देखते हैं। एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी और वी कैन से किसी भी गुड्स की प्राइस को डिटरमाइन करना इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की बात करते हैं, तो उसकी प्राइस को डिटरमाइन करना इज व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट ओनली द डिटरमाइनिंग द प्राइस, वी कैन गो फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम इंडिविजुअल यूनिट के साथ डील कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हाउस होल्ड जो भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, वी हैव टू मेक पेमेंट। तो उसकी पेमेंट का रेट डिसाइड करना, ओके? फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ सच थिंग्स मीन्स टू से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर, राइट? फॉर गिविंग
लैंड के लिए हमें कितनी रेंट देनी चाहिए, लेबर के लिए कितना बेस देना चाहिए, कैपिटल के लिए कितना इंटरेस्ट देना है और जो रिक्स बियर करेगा उसके लिए कितना प्रॉफिट देना है, ये कौन डिसाइड करेगा अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ मूविंग टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको पूरी एवरेज इनकम दिखाता है, ओके। इट्स सो टोटल इनकम ऑफ दी इकोनॉमी कि हमारी इकोनॉमी में पूरी इनकम कितनी हुई है, मतलब एक साल के अंदर हमारे यहाँ कितनी इनकम जनरेट हुई है, एवरेज इनकम को बताता है। नॉट ओनली द एवरेज इनकम, इट ऑल्सो शो द एम्प्लॉयमेंट लेवल कि हमारे यहाँ टोटल लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, इस सबका एस्टिमेट कौन बताता है, इट सबका एस्टिमेट मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, राइट। इट नॉट ओनली डील विद द वन पर्सन बट इट डील विद द एग्रीगेट, और वी कैन से इट डील विद द टोटल इकोनॉमी और द होल इकोनॉमी, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेट। डिग्री ऑफ एग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हर एक यूनिट्स की बात करते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। तो यहाँ डिग्री क्या होती है, डिग्री इसकी कम होती है, ओके। देयर इज़ अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं, अगर हम पूरे मार्केट डिमांड की बात करेंगे, हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड कैन बी डिराइव्ड बाय द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या, इंडिविजुअल की कितनी विश है, इंडिविजुअल की कितनी डिमांड है, इंडिविजुअल एग्रीगेट डिमांड के थ्रू ही हम मार्केट डिमांड को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को एग्रीगेट, हम उन सबकी डिमांड को मिला के ही क्या करते हैं, मार्केट डिमांड को डिफाइन करते हैं, राइट। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल आर डिमांडिंग फॉर सच प्रोडक्ट इज व्हाट मार्केट डिमांड। सो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्रीगेट आता है क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल की स्टडी करके उसको मैशअप कर देते हैं, उसको मिला देते हैं कि इसकी, इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर मार्केट में कितनी डिमांड होगी, इज व्हाट इट हैज़ अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेट। मूविंग टू दी नेक्स्ट विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी डिग्री क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि हम पूरे टोटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ओके। हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ एग्रीगेट कितनी होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अदर नेम इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि ये प्राइस को डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज क्लियर। मूविंग टू द टॉपिक विच इज पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। हम इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई वी स्टडी द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स और वी कैन से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, राइट। सो नाउ कमिंग टू द मीनिंग, ओके, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल फैक्ट्स के साथ डील करता है, ओके, जो हकीकत में होते हैं उन फैक्ट्स के साथ डील करता है, इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और ये भी देखता है कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। और अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये टोटली जजमेंटल बेसिस होता है। नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो थिंक्स, मतलब ये सोचता है कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए थी, राइट, ओके, कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और हम उन चीज़ों के कैसे सॉल्व कर सकते थे, इज व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो नाउ मूविंग टू द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली सॉल्व। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, ओके, और वी कैन अप्लाई सच अ मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू ओवरकम फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, हम क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम क्या है और हम उसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मूविंग टू द व्हाट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए, ऑट का मतलब तभी इस्तेमाल होता है जब हमारी एक ड्यूटी बन जाती है, ओके। वी हैव अ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सच अ टास्क, हमको करना ही है, कुछ भी हो हमें उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है, ये हमारी एक ड्यूटी बन गई है। इज वॉट इट डील विद वॉट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ओके, कैसा होना चाहिए था और हमें अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। शुड बी, ओके, शुड जहाँ लग जाता है, मस्ट मतलब कंपलसरी हो जाता है कि हमें उसको सॉल्व करना ही है, राइट। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब हम आपको सबसे पहले एग्जांपल देंगे। अगर पर्सन ए सेइंग दैट इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, पर्सन ए ने कहा इंडिया बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, और पर्सन बी इज सेइंग इंडिया नॉट चाइना इज मोर पॉपुलेटेड कंट्री, तो अगर हम एक्चुअल डाटा को कलेक्ट करके रखेंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे कि पर्सन ए सही है या पर्सन बी सही है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, राइट। तो वी कैन से दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माइट बी ट्रू और फॉल्स, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा के बीच में हम कंपेरिजन करके पता लगा सकते हैं कि हु इज राइट और रॉन्ग, राइट। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा, इसको हम एक्चुअल डाटा से वेरीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये जजमेंटल बेसिस होता है कि इट डिपेंड अपॉन ओपिनियन, है ना, हमारा ओपिनियन क्या कहता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, ये डाटा के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता है अपने आप को कि हम उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डाटा के ऊपर डिपेंड नहीं होता, राइट। सजेस्टिव, सजेस्टिव मतलब सुझाव देने वाली, ओके, सजेस्टिव मीन्स वी आर गिविंग अवर ओपिनियन क्या है हमारा, राइट। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट रियल लाइफ के फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इसमें हम अपने सुझाव नहीं दे सकते, ओके, जो चीज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, ये हमारे कहने से या हमारे बोलने से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, हम मतलब जो इंसान जैसा है हम उसको वैसा ही देख सकते हैं, ओके, वी कैन नॉट चेंज इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयर उसके सजेस्टिव को ये प्रमोट करता है, मीन्स इसमें सजेशन दिए जाते हैं, इंडिविजुअल के ओपिनियंस लिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, इसमें ये टोटली सजेस्टिव होता है, जजमेंटल होता है, राइट, ये जजमेंट के थ्रू देखा जाता है। सो होप द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग और ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट इज क्लियर, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सो ऑल सच थिंग इज क्लियर। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।